जरा सोचो, तुम रात में सो रहे हो और अचानक से एक एलियन यूएफओ तुम्हारे गार्डन में आके क्रैश हो जाए और इसके बाद वो एलियन तुम्हारे साथ रहने लगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस मूवी में। मूवी की स्टार्टिंग में हमें मिल्टन को दिखाते हैं। वो अपने शहर की एक मीटिंग में आया था। वहाँ पर सभी लोग अपने शहर की समस्या को गवर्नमेंट से बता रहे थे। इसके बाद मीटिंग खत्म हो जाती है और वो सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अब अगली सुबह मिल्टन के घर पे उसकी बेटी आती है। वो उसके बिल पे कर रही होती है। इसके बाद वो मिल्टन के वॉशरूम में जाती है। वहाँ पर उसे एक डिब्बा दिख जाता है जो कि ग्रीन बीन्स का था। उस डिब्बे को किचन में रखा हुआ होना चाहिए था लेकिन वो वॉशरूम में रखा था। अब वो अपने डैड से इसके बारे में पूछती है। वो कहती है कि हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके डैड की याददाश्त कमजोर हो रही है। लेकिन मिल्टन मना कर देता और कहता है कि मैंने खुद ही उसे वहाँ पर रखा था। इसके बाद उसकी बेटी वहाँ से चली जाती है। मिल्टन जब रात को सो रहा होता है तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर अपने गार्डन में आकर देखता है तो वहाँ पर एक यूएफओ क्रैश हो गया था। इससे उसका गार्डन बुरी तरीके से बर्बाद हो गया था। अब वो पुलिस को कॉल लगाता है और बताता है कि उसके गार्डन में एक यूएफओ है जो कि क्रैश हो गया है। लेकिन पुलिस उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है और कहती है कि इस तरीके से पुलिस को परेशान करना एक जुर्म है, इससे आपको सजा भी हो सकती है। लेकिन ये तुम्हारा पहली बार है इसीलिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, अगली बार ऐसी हरकत मत करना। इसके बाद वो वापस जाकर सो जाता है। अगले दिन वो फिर से वैसे ही मीटिंग में जाता है और वो फिर से शहर की वही सारी समस्याएं बताता है। दरअसल शहर में हो रही समस्याओं को बताना ही उसका काम था। अब शाम को वो फिर से घर वापस आकर सो जाता है लेकिन तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर आकर देखता है तो वहाँ पर एक एलियन पड़ा था। मिल्टन उसे देखकर डर जाता है। फिर वो अपनी बेटी को कॉल लगाता है लेकिन उसकी बेटी घर पर नहीं थी, इसीलिए वो वॉइस मैसेज छोड़ देता है। वो कहता है कि 3 दिन पहले हमारे गार्डन में एक स्पेसशिप क्रैश हुआ था और अब उसमें से एक एलियन निकलकर बाहर आ गया है और वो बेहोश होकर गार्डन में पड़ा है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अगली सुबह वो फिर से उसी मीटिंग में जाता है। वैसे तो हर बार वो सिर्फ एक ही बात बोलता था लेकिन आज वो यूएफओ और एलियन के बारे में बताता है। वहाँ पर बैठे लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं लेकिन वो मिल्टन से कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मिल्टन की ज्यादा एज होने की वजह से शायद उसे कोई बीमारी हो रही है। मिल्टन जब बाहर आता है तो उसके शहर की एक ओल्ड लेडी उस पर गुस्सा होती है। जोइस उससे कहती है कि अगर तुम पागलों जैसी बात करोगे तो वो हमारी बातों पर यकीन नहीं करेंगे और कुछ भी हमारे शहर में नहीं सुधरेगा। लेकिन मिल्टन कहता है कि ये सारी बातें सच हैं। अब जोइस बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। तभी सैंडी नाम की लेडी मिल्टन से कहती है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। पहले तो मिल्टन मना कर देता है लेकिन उसके एक दो बार कहने पर मान जाता है। सैंडी मिल्टन से कहती है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद मिल्टन कहता है कि स्पेसशिप के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उसका मैं क्या करूं, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सैंडी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था पर वो फिर भी कह देती है कि अगर किसी भी तरह की मदद चाहिए तो मुझे बता देना। अब ये लोग घर पहुंच जाते हैं और मिल्टन गाड़ी से उतरकर चला जाता है। अब सैंडी भी अपनी गाड़ी लेकर वहां से चली जाती है। अब मिल्टन उस एलियन को जाकर देखता है। वो एलियन अब होश में आ गया था। मिल्टन उसके लिए पानी लेकर जाता है और एक ब्लैंकेट। वो उस ब्लैंकेट को उसको उड़ा देता है क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी। जब अगली सुबह वो बाहर आकर देखता है तो गार्डन में कोई भी नहीं था। जब वो इधर उधर देखता है तो उसे एक कोने में वही एलियन बैठा हुआ दिखाई देता है और रात को जो मिल्टन ने पानी दिया था वो भी उसने पी लिया था। उस एलियन को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी इसीलिए मिल्टन उसे इशारे से अंदर चलने के लिए कहता है। अब अंदर ले जाकर मिल्टन उसे और पानी पिलाता है। इसके बाद वो उसके लिए कई तरह का खाना बनाता है क्योंकि मिल्टन को नहीं पता था कि वो क्या खाता है। अब वो जैसे ही उसके सामने खाना रखता है तो वो सिर्फ एप्पल खाता है। लेकिन अब समस्या ये होती है कि मिल्टन के घर में सिर्फ एक ही एप्पल था और उस एलियन को भूख लग रही थी। अब मिल्टन सुपरमार्केट से एप्पल खरीदने जाता है। वहाँ पर एक वर्कर उससे पूछता है कि तुम इतने एप्पल क्यों ले जा रहे हो। इसके बाद मिल्टन उससे कहता है कि उसके घर में एक एलियन है जो कि सिर्फ एप्पल ही खा रहा है। इसके बाद एलियन की हालत थोड़ी सुधर जाती है। इसके बाद मिल्टन उसे अपने घर की सारी जगहें दिखाता है। हालांकि एलियन अभी तक कुछ भी नहीं बोल रहा था और ये भी नहीं पता था कि उसे कुछ समझ में आ रहा है या नहीं। मिल्टन फोटो दिखाकर उसे अपनी बेटी के बारे में बताता है। अगले सीन में हमें मिल्टन की बेटी डेनिस को दिखाते
जाते हैं, जो कि उसी मॉल में शॉपिंग करने आई थी। और वो वर्कर डेनिस को उसके पिता के बारे में बताता है कि वो उससे क्या कह रहे थे। डेनिस ये बात सुन के टेंशन में पड़ जाती है। इसके बाद वो गुस्से में अपने डैड के घर जाती है और वो अपने डैड से कहती है कि तुम 78 साल के हो गए हो और तुमने अभी तक कोई भी टेस्ट नहीं कराया है, तो आप चेकअप के लिए मेरे साथ चलेंगे और मैं ना बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहूंगी। तभी मिल्टन कहता है कि वैसे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम इतना कह रही हो तो मैं जरूर चलूंगा। मिल्टन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरा मैसेज मिला, तो वह कहती है कि मेरा मेल बॉक्स फुल हो गया था, इसलिए मैंने उसे डिलीट कर दिया। इसके बाद वो उससे कहती है कि मैं लेट हो रही हूँ, क्योंकि वो एक एनिमल के क्लिनिक में काम करती है। वो घर के अंदर नहीं आती और बाहर से ही चली जाती है। तभी मिल्टन के फोन पर एक कॉल आती है। तभी सैंडी मिल्टन से फोन पर बोलती है कि मेरे घर का फोटो प्रिंटर खराब हो गया है और मुझे कुछ फोटो को प्रिंट करना है, तो क्या वो उसका प्रिंटर यूज कर सकती है। इसके लिए मिल्टन हाँ कर देता है। इसके बाद सैंडी जब उसके घर आती है तो वो एलियन को सोफे पर बैठा देखकर डर जाती है। इसके बाद वो मिल्टन से पूछती है कि ये क्या है। मिल्टन उससे कहता है कि ये वही एलियन है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। इसके बाद वो उसे एलियन का UFO दिखाता है। इसके बाद वो उसे बताता है कि ये सिर्फ एप्पल ही खाता है। इसके बाद सैंडी मिल्टन से पूछती है कि कहीं ये हमारे लिए खतरा तो नहीं है। इस पर मिल्टन जवाब देता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये हमारे लिए खतरा होगा। फिर वो उससे कहती है कि क्या तुम इसे रखना चाहते हो, और वो कहता है कि हाँ, जब तक ये रहना चाहे। अब सैंडी उससे कहती है कि तुम्हें ये कहना बंद करना होगा कि तुम्हारे घर पे एक एलियन है, और तुमने देखा ही होगा मूवियों में कि लोग एलियन के साथ क्या करते हैं। इसके बाद हम नेशनल सिक्योरिटी सेंटर देखते हैं। ये लोग UFO को ढूंढ रहे थे और वो लोगों से बताते हैं कि वो एक सैटेलाइट थी। इधर एलियन और मिल्टन रात में टीवी देखते हुए सो जाते हैं। जब मिल्टन सोकर उठता है तो देखता है कि उसके पास में एक पेपर रखा हुआ था, उस पर एक बिल्ली का कार्टून बना हुआ था जो कि उस एलियन ने बनाया था। वहां पर वो एलियन नहीं होता है। मिल्टन जब अपने गार्डन में आकर देखता है तो वो एलियन अपने स्पेसशिप को रिपेयर कर रहा था। अब मिल्टन उसे कैट के चित्र के लिए थैंक्स बोलता है और फिर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद मिल्टन अपनी बेटी के पास जाता है और उसकी बेटी उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। वहां पर वो डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट लेती है, जिससे मिल्टन भड़क जाता है और वो वहां से जाने लगता है। वो अपनी बेटी पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि वो उसे एक साइकाइट्रिस्ट के पास में ले आई थी। उसकी बेटी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हें भूलने की बीमारी हो रही है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। इसके बाद वो सीधे अपने घर पर आता है, जहां पर सैंडी एलियन के साथ थी। वो उससे काफी बातें करती है और अपनी बेटी के बारे में भी बताती है। और तभी वहां पर मिल्टन आ जाता है, लेकिन वो किसी से बात नहीं करता और सीधे अपने रूम में चला जाता है। अब कुछ देर बाद सैंडी भी वहां से चली जाती है। अब वो एलियन फिर से अपने स्पेसशिप में काम करने लगता है। तभी मिल्टन एलियन के पास में आता है और वो उसे अपनी बेटी के बारे में बताता है, और वो उसे ये भी बताता है कि उसका एक बेटा भी है, जिससे वो ज्यादा बात नहीं करता है। अब अगले दिन फिर से सैंडी मिल्टन के घर पे आती है, तो वो एलियन को अपनी बेटी की टी शर्ट पहनाती है। इसके बाद वो दोनों उसका नाम जूल्स रख देते हैं। अब रात में ये दोनों जूल्स के साथ डिनर कर रहे थे और तभी वहां पर जोइस आ जाती है और वो उनसे कहती है कि मैंने एलियन को देख लिया है। जोइस कई दिन से उन दोनों पर नजर रख रही थी। दरअसल वो जेलिस थी कि ये दोनों साथ में हैंग आउट क्यों कर रहे हैं। इसके बाद वो जोइस को भी अपने साथ में बिठा लेते हैं। अब जूल्स उन्हें फिर से कैट की पिक्चर बनाकर देता है। उस पिक्चर में 7 कैट्स बनी हुई थी। अब अगले दिन सैंडी के घर पर एक आदमी उससे मिलने आता है। सैंडी एक स्पिरिचुअल गुरु थी, वो उससे उसी के बारे में बात करने आया था। वो सैंडी से पूछ के उसके वॉशरूम में चला जाता है। इसके बाद हम जोइस को देखते हैं, जो कि जूल्स से बात कर रही थी, और मिल्टन भी वहां पर होता है। इसके बाद सैंडी उस आदमी को देखने जाती है, जो कि वॉशरूम में नहीं बल्कि उसके रूम में होता है, और वो उसकी ज्वेलरी चुरा रहा था। अब सैंडी उस आदमी से कहती है कि मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ, लेकिन वो आदमी उसके पीछे पड़ जाता है। इधर मिल्टन, जोइस और वो एलियन तीनों गाने सुन रहे थे, और यहीं से बैठे हुए जूल्स देख लेता है कि सैंडी के साथ क्या हो रहा है। इसके बाद में जूल्स की बॉडी अचानक से नीले कलर की होने लगती है, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद में हम सैंडी के घर पे बहुत सारी पुलिस को देखते हैं, और कुछ पुलिस वाले सैंडी से सवाल जवाब पूछ रहे थे। वो बताती है कि उस चोर का सर अचानक से फट गया, लेकिन पुलिस वालों को उसकी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, और पुलिस वाले कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनके पास में कोई सबूत नहीं
था। इसके बाद सैंडी सीधे मिल्टन के घर जाती है और जूल्स को गले लगा लेती है। फिर बाद में उस हादसे के बारे में वो उन दोनों को भी बताती है। वो समझ जाती है कि उस इंसान का सर ऐसे ही नहीं फटा है, ये सब जरूर जूल्स ने किया है। जब वो नीले कलर का हो गया था तब उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया था। ये लोग समझ जाते हैं कि उसके पास में पावर है और वो अपनी पावर को तब इस्तेमाल करेगा जब इन तीनों में से किसी पर भी कोई मुसीबत आएगी। इसके बाद उन लोगों को वहाँ पर एक बिल्ली मिलती है और पास में ही एक पिक्चर भी पड़ी हुई मिलती है। उस पिक्चर को जूल्स ने ही बनाया था, लेकिन इस बार उस पिक्चर में सिर्फ 6 ही बिल्ली थी। इससे ये लोग समझ जाते हैं कि जूल्स को बिल्ली की जरूरत है। इधर पुलिस कंफ्यूज हो रही थी कि सैंडी के घर में उस चोर को कैसे मारा गया। अब पुलिस सैंडी पर नजर रखने लगती है और वो सैंडी और मिल्टन को कैट पकड़ते हुए देख लेते हैं। इधर नेशनल सिक्योरिटी के लोग किसी तरीके से उस मैसेज को सुन लेते हैं जो मिल्टन ने डेनिश को भेजा था। अब ये लोग उसकी वो कॉल भी सुन लेते हैं जो उसने पुलिस को की थी, ये बताने के लिए कि उसके गार्डन में एक UFO है। इधर इन लोगों के पास 5 बिल्लियां हो गई थी, लेकिन एक बिल्ली मिल नहीं रही थी। इसीलिए मजबूर होकर अब जोइस को अपनी बिल्ली देनी पड़ती है। जोइस को अपनी बिल्ली देते हुए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी वो उन्हें अपनी बिल्ली दे देती है। इसके बाद जूल्स उन बिल्लियों के ऊपर एक सफेद कपड़ा डालता है और वो बिल्ली कुछ ही समय में एक कैप्सूल में बदल जाती है। अब वो उस कैप्सूल को अपनी सिप में लगाता है तो उसकी सिप ठीक हो जाती है और वो उड़ना शुरू कर देती है। अब मिल्टन उन दोनों से कहता है कि वो जूल्स के साथ में जा रहा है, लेकिन तभी मिल्टन की बेटी का फोन आ जाता है। वो मिल्टन से कहती है कि सैटरडे को वो उसके साथ में लंच करना चाहती है। अब मिल्टन सोच ही रहा होता है कि वो जूल्स के साथ में जाए या नहीं कि तभी वहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी वाले लोग आ जाते हैं। अब ये चारों भागकर जल्दी से स्पेसशिप के अंदर बैठ जाते हैं और उसे लेकर वहाँ से उड़ जाते हैं और नेशनल सिक्योरिटी वाले लोग सिर्फ देखते हुए रह जाते हैं। अब जूल्स उन्हें दूसरी जगह पर ले जाकर उतार देता है। अब वो इन सबसे आखिरी बार गले लगता है और वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब।